गाइस क्वेश्चन नंबर 72 क्या लिखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉ अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स 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 माइनस फोर डिफाइन द फंक्शन ऑन आर, ये आर में आपका फंक्शन दिखाया गया, देन व्हाट इज इट्स डोमेन, इसका डोमेन क्या, डोमेन क्या होता है गाइस, रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव सामान्य नहीं होता तब आपका एक्स डिफाइन होगा और कभी भी नीचे आपका जीरो नहीं बनना चाहिए, डोमेन इसका यही हो सकता है। तो बेसिकली जो अंदर है ये फंक्शन आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन और x अपॉन x माइनस फोर, तो ये वाली चीज़ नेगेटिव नहीं रहता, अंडर रूट x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x माइनस फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो गाइज आपके पास ये इधर जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड x इज नॉट इक्वल टू फोर, तो गाइज आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, वन से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन चार पर ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि चार पे यहाँ पे जी चार रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो आने से क्या होगा, इनफाइनाइट आ जाएगा जो कि हमारे लिए डोमेन में सेटिस्फाइड नहीं करने वाला वैल्यू, ठीक है। तो अब ये लिखते हैं एक्स की वैल्यू वन से, ये नंबर लाइन बना दिया, नंबर लाइन आपने ड्रा कर लिया, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये आपका वन हो गया, ये इधर आपका चार हो गया, तो वन से बड़ा लाइन किधर जाएगी, पीछे ही जाएगी, लेकिन इसमें आप चार पे आपको हॉलो सर्कल बनाना पड़ेगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि आपके चार की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं करेगी, इसका मतलब आपको आंसर दो टुकड़ों में लिखना पड़ेगा, एक तो यहाँ से होगा एक्स की वैल्यू वन, वन पे क्या क्लोज है, दिख रहे हो गाइस आपका क्या है, क्लोज है, तो वन से फोर ओपन हो गया, फोर फोर को लेना नहीं है और फोर से इन्फिनिटी, तो इस हिसाब से जो गाइस आपका जो आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट।